हिमाचल प्रदेश में आपदा के चलते 1600 सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हो गई थी, जिससे लोगों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब प्रदेश में सड़कों की हालत सुधर रही है और मात्र 60 सड़कें ही भूस्खलन के चलते बंद पड़ी हुई हैं। ऐसे में इन सड़कों को बहाल करने के लिए भी अब लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने कुल्लू मनाली दौरे के दौरान बताया कि सड़क की बहाली को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मात्र 60 सड़कें अब बंद पड़ी हैं और 15 सितंबर तक इन सड़कों को भी वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। अभी तो पहले ये था कि सड़कों को बहाली करना है, बहाल हो गई है। अब लॉन्ग टर्म में निश्चित तौर से उनकी एक्सपेंशन करके बसों को भी जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट फर्स्ट थिंग वॉज सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर, सेफ्टी ऑफ द पीपल, एंड जो हमारा अभी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो हमारे जो सेब उत्पादक है उनकी फसलें जो है वो मंडी तक पहुंचे, वो हमने सफलता के साथ उस चीज़ को पूरा किया है। अब नेक्स्ट फेज़ में जो है वो सड़कों को एक्सपैंड करके जितना हैवी ट्रैफिक, चाहे आपके बसेस का है, चाहे आपके ट्रक्स का है, चाहे वॉल्वोस का है, उनको फिर सुचारू रूप से शुरू करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हिमाचल में टूरिस्ट आने चाहिए, यहाँ की इकोनॉमी खास करके कुल्लू मनाली की, आपके पूरे हिमाचल के साथ साथ इस पर्टिकुलर क्षेत्र की, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट पे जो है टूरिज्म का एक बहुत बड़ा योगदान है, तो उसको रिवाइव करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इन द टाइम्स टू कम मेरा सभी सैलानियों से भी, टूरिस्ट से भी निवेदन रहेगा कि हिमाचल आएँ, हिमाचल इज़ सेफ़, हिमाचल में सरकार और प्रशासन पूरा सहयोग आपका हर किस्म से हम करेंगे। सड़कों को हम पूरी तरीके से उनकी मुरम्मत करके उनको बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं, एंड इन द टाइम्स टू कम वापस हिमाचल आएँ, इस क्षेत्र की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना योगदान दें और साथ ही यहाँ की जो खूबसूरती है उसका भी जो है वो आनंद उठाएँ। मात्र जो है वो 60 सड़कें ऐसी है देश के अंदर, एक समय में 1600 सड़कें थी जो बंद थी, अब मात्र 60 रोड्स है प्रदेश के अंदर जो अभी भी बंद है, और उनको भी बहुत जल्दी मैंने डेडलाइन दिया है। आपने जैसे देखा होगा कि 15 सितंबर का मैंने डेडलाइन दिया है, उस दिन तक सारी सड़कें प्रदेश के अंदर जो हमारे डिपार्टमेंट की है वो खोल दी जाएगी। एक आधी अगर कोई जहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव डैमेज है उस पर भी काम किया जाएगा, मगर ऑन द होल इन सब सड़कों को खोलने का काम जो है वो प्राथमिकता के ऊपर करवाया जा रहा है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए एक बार फिर से दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की जाएगी और सड़कों को बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से भी आर्थिक रूप से मदद मांगी जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।